हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी गोना स्टार्ट चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इन दिस वीडियो वी डिस्कस एक्सरसाइज 7.3 एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। शब्द इक्वेशन के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। तो बच्चों, इक्वेशन आपको एक शब्द गिवन है और आपको बताना है कि इसको अगर हम सबको एक बार यूज़ किया जाए, ठीक है, इक्वेशन के सारे वर्ड्स को एक बार यूज़ किया जाए तो आपको बताना है कि कितने अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल या फिर अर्थहीन यानी कि मीनिंगलेस शब्द बन सकते हैं। यानी कि सपोज़ आपका इक्वेशन है, इक्वेशन को आप किसी भी टाइप से लिख सकते हैं, क्यू आगे लिख दीजिए, ई पीछे लिख दीजिए, अब इसका कुछ मीनिंग हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 8 के 8 वर्ड्स इसमें यूज़ होने चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन में कुल कितने अक्षर हैं बच्चों? 8 हैं, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन। तो इसमें फर्स्ट वर्ड हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 वर्ड्स हैं इसमें, ठीक है। अब कहा है 8 अक्षरों से बनने वाले शब्द जो अर्थपूर्ण या अर्थहीन हैं वो आपको बताने हैं। तो बच्चों, 8 आपके पास वर्ड्स हैं और इसमें से आपको 8 ही सेलेक्ट करने हैं, तो 8 में से 8 ही सेलेक्ट करने हैं। तो 8 पे 8 को आप किस टाइप से ओपन करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 8 पे 8 को आप किस टाइप से ओपन करते हैं? तो सबसे पहले आप लिखते हैं फैक्टोरियल 8, यानी कि NPR का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r होता है। तो सिमिलर आपको यहाँ यूज़ करना है, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 8, ये आपका n हो जाएगा, इट विल बी r, ओके। सो 8 माइनस 8 फैक्टोरियल हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे इसमें फैक्टोरियल 8 को? तो एज इट इज़ रखेंगे, 8 माइनस 8 ज़ीरो हो जाएगा और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 1 होती है। तो मैंने फैक्टोरियल 0 के प्लेस पे 1 लिख दिया और फिर फैक्टोरियल 8 को ओपन करेंगे। तो ओपन जब हम करेंगे तो इट मीन्स यहाँ पर एक एक वैल्यू कम होती जाती है, पहले 8 आएगा, उसके बाद 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड फिर 1, ठीक है। और फिर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 40,320 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी कि इक्वेशन के 8 वर्ड्स को यूज़ करके अगर हम मीनिंगफुल और मीनिंगलेस वर्ड्स बनाएं तो वो हमारे पास 40,320 आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा है मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। तो बच्चों, मंडे शब्द है, ठीक है, अर्थपूर्ण या अर्थहीन, बिल्कुल मीनिंगफुल या मीनिंगलेस शब्द बनाने हैं और यह मानते हुए भी कि किसी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। फिर बताना है एक समूह या समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, यानी कि फर्स्ट केस है इसका जिसमें कहा है एक समूह या एक समय में आपको 4 वर्ड्स लेने हैं। तो सबसे पहले आपका मंडे गिवन है, कितना गिवन है? मंडे। तो मंडे में आपके कितने अक्षर हैं बच्चों? 6 अक्षर हैं, ठीक है। तो 6 अक्षरों में से आपको कितने लेकर बनाने हैं? 4। तो टोटल n में से आपको 4 सेलेक्ट करने हैं। तो 6p4 को जब आप ओपन करेंगे तो कैसे खोलेंगे बच्चों? फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 4, एंड 6 माइनस 4 विल बी 2, है ना। तो यानी कि फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। आप 6 को खोल दीजिए, 6 4 5 4 3 2, 2 तक खोलेंगे सिर्फ, क्योंकि नीचे मिनिमम वैल्यू 2 है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, जो बाकी टर्म्स बची उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 5 6 5 4 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 360 आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि एक समूह या एक समय में अगर हम 4 अक्षर एक साथ लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कितने वर्ड बनेंगे? 360 वर्ड्स बनेंगे। सेकेंड केस में बच्चों हमसे कहा है एक समय में सभी अक्षर एक साथ लिए जाएं। अब 6 में से आपको 6 ही साथ में लेने हैं, तो 6p6 जब आप इसे ओपन करेंगे, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 6, ठीक है। 6 माइनस 6 किसके इक्वल होता है? 0 के, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, 1 होती है। तो अब फैक्टोरियल 6 बचा ओनली, तो फैक्टोरियल 6 को आप खोलेंगे, 6 5 4 3 2 1, तो आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 720 आ जाएगा, यानी कि ऐसे 720 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं।
इसका थर्ड पार्ट में क्या कहा है, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है, यानी कि मंडे में आपको सारे वर्ड यूज़ करने हैं लेकिन फर्स्ट प्लेस पे आपको कोई स्वर ही रखना है, कोई वोवल आपको रखना है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट प्लेस पे हमें वोवल्स रखनी हैं, तो हमारे पास टोटल 6 प्लेसेस हैं, है ना, 6 प्लेसेस है हमारे पास, ठीक है। इसमें सिर्फ फर्स्ट प्लेस का फिक्स है कि यहाँ पर कोई वोवल रखना है हमें, बाकी 5 प्लेसेस पर आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों 5 स्थानों को 5 प्रकार से भरा जा सकता है, तो 5 स्थानों को 5 प्रकार से भरने के लिए कुल कितनी संख्या होती है, फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो 5 स्थान है, 5 प्रकार से भरे जा सकते हैं, यानी कि फैक्टोरियल 5। अब ये वाला स्थान है, इसको सिर्फ 2 टाइप से भरा जा सकता है, वोवल से। अब वोवल्स बच्चों, मंडे वर्ड अगर मैं लिखूँ, MONDAY मंडे लिखूँ, तो इसमें A और O दो वोवल्स हैं, है ना। तो ये जो वोवल्स हैं इनके प्लेस पे या तो पहले O रख सकते हैं आप, या A रख सकते हैं, या फिर पहले A रख सकते हैं फिर O रख सकते हैं। तो यानी कि आपके पास 2 केसेस बन रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट वाले स्थान को फिल करने के लिए आपके पास फैक्टोरियल 2 टाइप्स हैं, और बाकी के 5 फिल करने के लिए आपके पास फैक्टोरियल 5 टाइप्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको इसमें क्या करना है, शब्दों की संख्या बतानी थी, तो पहले स्थान को भरने के प्रकार मल्टीप्लाई में बाकी 5 स्थानों को भरने के प्रकार। पहले स्थान को 2 टाइप से भरा जा सकता है, मैंने आपको बताया है, ओ को भर दीजिए या ए को, तो ये 2 बन गए, 2 वर्ड्स हैं, तो 2 वर्ड्स को फैक्टोरियल 2 टाइप से भरा जा सकता है, और 5 वर्ड्स को फैक्टोरियल 5 टाइप से, ठीक है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1, यानी कि 240 विल बी योर आंसर। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। मिसेस पी शब्द के अक्षरों से बने क्रमचियों में से कितनों में चारों है वो एक साथ नहीं आते हैं। बच्चों जब ऐसा आ जाता है कि कितने साथ में नहीं आते हैं, तो क्या किया जाता है कि सबसे पहले टोटल निकालते हैं, कुल निकालते हैं, यानी कि टोटल, टोटल में से माइनस कर देते हैं जितने चारों आई एक साथ आ रहे हैं, यानी कि एक साथ जितने आ रहे हैं उनको माइनस कर देंगे। तो बच्चों टोटल में से जितने एक साथ माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, जो साथ में नहीं आ रहे हैं, है ना, जो साथ में वर्ड्स नहीं आ रहे हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, बिकॉज हम टोटल में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे उस टर्म को जो एक साथ आ रहे हैं, है ना, टुगेदर्स। सो लेट्स स्टार्ट। मिसेस पी शब्द से के अक्षरों से कितनी संख्या बन सकती हैं वो आपको बतानी है। तो इसमें आपके पास कितने वर्ड्स हैं पहले वो आप चेक कर लीजिए। ये मिसेस पी शब्द के अक्षरों की संख्या 11 है, है ना। अब इसमें M कितने टाइम्स आ रहा है, M 1 टाइम आ रहा है। S कितने टाइम्स आ रहा है, S इसमें 4 टाइम आ रहा है, 1 2 3 4, ओके। और फिर नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, इसमें I कितने टाइम आ रहा है, I भी इसमें 4 टाइम ही आ रहा है, और P भी इसमें 2 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो जब बच्चों वर्ड्स रिपीट होते हैं, तो रिपीटेड वर्ड्स को कैसे लिखते हैं हम क्रमचय की फॉर्म में, वो आप सीख लीजिए आप, क्योंकि 11 इसमें अक्षर हैं, उसमें से शब्दों की संख्या बतानी है। तो टोटल जो फैक्टोरियल 11 है हमारे पास, अब जितनी रिपीटेड टर्म्स होती हैं वो हम डिनोमिनेटर पार्ट में लिखते हैं, इट मीन्स फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 2, बिकॉज यही टर्म्स हमारी रिपीट हो रही थी, और कितनी टाइम्स रिपीट हो रही है वो हमें नीचे लिखना होता है फैक्टोरियल की फॉर्म में। तो इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं। अब उसमें हमसे क्या कहा था कि हमें इसको सॉल्व करना है, तो फैक्टोरियल 11 है, अगर मैं इसको खोलूँ तो 11 इंटू किस टाइम तक खोलूँ, मिनिमम टर्म इसमें देखो नीचे वाले में, मिनिमम टर्म हमारे पास कितनी है, मिनिमम टर्म हमारे पास 4 है फैक्टोरियल, तो हम फैक्टोरियल 4 टाइम तक इसे खोलेंगे। तो बच्चों 11 लिखेंगे, 10 9 8 7 6 5 एंड 4, दैट्स इट। नीचे की साइड डिनोमिनेटर पार्ट भी चेक करिए, फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 को हम नहीं खोलेंगे बिकॉज वो ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे फैक्टोरियल 4 को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 2 एंड 1, ठीक है। इट मींस फैक्टोरियल 2 को खोलेंगे, फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1,
ठीक है। अब फैक्टोरियल फोर से, तो फैक्टोरियल फोर कैंसिल हो गया, फोर टू ज़ा एट से एट कैंसिल हो गया, और थ्री टू ज़ा सिक्स से सिक्स कैंसिल हो गया। तो बच्चों आपके पास रिमेनिंग टर्म्स क्या आई हैं, अलेवन टेन नाइन सेवन एंड फाइव, ठीक है। इनकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34,650 आ जाएगा। इट मीन्स ये आपके टोटल नंबर्स आए हैं, ठीक है, टोटल नंबर्स। लेकिन आपको ये भी तो निकालना है कि कितने साथ में आ रहे हैं। तो साथ में के लिए बच्चों सबसे पहले आप देख लेंगे कितनी प्लेसेस हैं आपके पास। टोटल 11 प्लेसेस हैं, 11 में से 4 प्लेस पे हमें सारे आई जो हैं, 4 आई हैं, तो 4 आईज को एक साथ रखना है। तो यहाँ पर हमने इधर पुट कर लिया है। ऐसा नहीं है कि आप लेफ़्ट साइड ही पुट करेंगे, आप मिडल में रख सकते हैं 4 को एक साथ, या फिर आप लास्ट में भी 4 को एक साथ रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही रखना है। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिया है। तो ये जो 4 आई हैं इनको हम 1 ही काउंट करेंगे, क्योंकि आई को आप चाहे किस टाइप से भी लिखें लेकिन ये प्लेस 1 काउंट होगा, क्योंकि एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों ये तो प्लेस 1 हो गया, यानी कि अब हमारे पास कितनी प्लेसेस बचे, ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लेसेस बचे। तो ऐसे शब्द की संख्या निकालेंगे जिसमें चारों आई एक साथ आ रहे हैं, तो वो फैक्टोरियल 8 हो जाएगी। अब बच्चों फैक्टोरियल 8 कितनी टर्म्स रिपीट हो रही हैं, बिकॉज ये तो एक साथ आ गई, तो ये वाली टर्म का फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स है उसमें देखिए, उसमें पी जो है वो 2 टाइम्स आ रहे थे, है ना, और एस जो है वो फैक्टोरियल 4 टाइम्स आ रहे थे, तो ये फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया। फैक्टोरियल 8 को आप ओपन करेंगे तो इसमें 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, बच्चों फैक्टोरियल 4 तक ही क्यों खुला है, मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर पार्ट में जो भी हमारे पास मिनिमम टर्म होती है, जैसे फैक्टोरियल 4 है, 8 से मिनिमम चेक करेंगे फैक्टोरियल 4 है, तो फैक्टोरियल 4 तक खोलेंगे, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल कैंसिल, और फैक्टोरियल 2 को आपने खोला 2 इंटू 1, ठीक है। 2 से 6 कैंसिल किया, 3 आ गए, तो बाकी टर्म्स की आपने मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया आपका 840, ठीक है। अब आपको ऐसे पार्ट निकालने थे, ऐसे शब्द निकालने हैं जिसमें आई एक साथ नहीं आ रहा है। इट मीन्स टोटल जो हमारे पास थे 34,650 से माइनस कर देंगे 840, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 33,810, इट विल बी योर आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी। थैंक यू।